Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of exercise 10.4, question number 8, class 12th. Name of the chapter is vectors. To start with, Alankrit, I would like you to read question number 8. If either A vector is equals to null vector or B vector is equals to null vector, then A vector cross B vector is equals to null vector. Is the converse true? Justify your answer with an example. Okay, I'll explain you this question by writing. So I'm writing that question for you. Question number is 8. It says vector A is equal to null vector or zero vector, right? And or vector B is also null vector or zero vector. Then it is saying unit vector of A into unit vector of B is equal to zero. पूछ रहा है क्या इस चीज का कन्वर्स भी ट्रू है, और अगर ऐसा है तो एक एग्जांपल के साथ समझाइए. ठीक है, तो सॉल्यूशन ए की बात करते हैं कि अगर ए वेक्टर ए हमारा नल वेक्टर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका मॉडुलस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. राइट, आप सभी को ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पता है, विच इज मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन. यहाँ थीटा जो है, थीटा इज दी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो ये वैल्यू आप डाल दीजिए, वेक्टर ए हमारा जीरो है, वेक्टर बी को बी रहने दीजिए, इंटू अगर साइन थीटा ये सॉल्व भी करते हो तो ये सॉल्व होकर जीरो आएगा. सिमिलरली अगर वेक्टर बी को आप नल वेक्टर यानी जीरो लेते हो, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि मॉडुलस ऑफ बी भी हमारा जीरो हो जाएगा, और हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी हमारा सिमिलरली जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी के प्लेस पे जीरो आएगा. अब इसके कन्वर्स की बात करते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं, देखते हैं. लेट कर लीजिए वेक्टर ए जो है वो है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये वेक्टर ए है. वेक्टर बी, यहां मैंने इसको पी कोई यू नो स्केलर क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया पी ए वन आई प्लस पी ए टू जे प्लस पी ए थ्री के. ठीक है, तो और ये भी आपको पता है इसका क्या मतलब है, कि वेक्टर ए और बी जो हैं वो पैरेलल, और अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो जो थीटा है या तो वो जीरो हो जाएगा. ठीक है ना, 180 भी हो सकता वैसे तो, पर मैं जीरो वाला केस ही लेके चल रहा हूँ भाई. थीटा हमारा अगर जीरो हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेक्टर ए जीरो नहीं होना चाहिए और वेक्टर बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, ये फर्दर हमारा जीरो के इक्वल है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो इन सब बातों से हमें ये कॉन्क्लूजन मिल रहा है कि अगर ए क्रॉस बी हमारा जीरो है, इवन कि ए जीरो के इक्वल नहीं है और बी भी जीरो के इक्वल नहीं है, पर फिर भी ए क्रॉस बी जो है वो जीरो है, ये आपको ध्यान में रखना. ठीक है ना, राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9th, कैन यू प्लीज रीड इट. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए 1, 2, बी 2, 3, 5 एंड सी 1, 5, 5. ओके, मैं आपको ये लिख के बताता हूँ. तो ये क्वेश्चन नंबर है 9th. पोजीशन वेक्टर जो हैं और वर्टिसेस क्या गिवन है ट्रायंगल एबीसी के, एक बार मैं आपके लिए यहां वर्टिसेस तीनों लिख देता हूं. ए दिया है 1, 1, 2, बी दिया हुआ 2, 3, 5 और सी कितना है 1, 5, 5. 1, 5, 5. तो
तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, आपको पता वो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ के 0,0,0 है, ठीक है ना। तो एक मैं निकाल के बता रहा हूँ, ओ बी के हो जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस में i प्लस j प्लस 2k। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2i माइनस i, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 3j माइनस j प्लस 5k माइनस 2k, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर ए बी हमारा आ गया i प्लस 2j प्लस 3k। अब ऐसे ही वेक्टर ए सी निकालते हैं, वेक्टर ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी की जगह आप लिख सकते हैं i प्लस 5j प्लस 5k, और ओ ए की जगह आप लिख सकते हैं i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, i माइनस i 0 हो जाएगा, 5j माइनस j 4j, और 5k माइनस 2k प्लस 3k हो जाएगा, ठीक है। तो 4j प्लस 3k बच गया। अब एक काम करेंगे हम, ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, इसके लिए आई जे के, ए बी की जगह 1, 2, 3 और ए सी की जगह 0, 4, 3। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता ही है, राइट, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करूंगा। अगर i को लूंगा तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 माइनस में 12, माइनस में j, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस k, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। इसे सॉल्व करके ये चीज आ जाएगी, ओके। अब ये जो भी आया है इसका मॉडुलस निकालता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा था एरिया, और एरिया आपको पता हाफ इंटू मेट्स ए बी इंटू ए सी होगा, ठीक है ना, आपको पता है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी ऑल्टीट्यूड होगा इसका, ए सी अगर बेस होगा, राइट, ए पे राइट एंगल है, आप चाहे तो एक रफ फिगर भी बना लेना इसे, है राइट एंगल ए पे है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तभी ये ए बी इंटू ए सी आया, ठीक है, ऐसे रफ फिगर बना के और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसका मॉडुलस हो जाएगा रूट में माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 61। अब आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल एबीसी का, जो कि होगा हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू ए सी, और ये हमारा रूट 61 आया, तो आंसर आ गया रूट 61 बाय 2। कोई यूनिट तो है नहीं, तो यहाँ आप लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े अलंकृत, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, हाँ जी अब आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vectors A vector is equals to I cap minus J cap plus 3K cap and B vector is equals to 2I cap minus 7J cap plus K cap. Okay, यहाँ पर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं A और B, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th। एरिया पैरेललोग्राम का हमें निकालना है। वेक्टर A हमें दिया हुआ I माइनस J प्लस 3k, वेक्टर बी हमें दिया हुआ 2i माइनस 7j प्लस k, राइट, ए और बी हमें दिया हुआ है, हमें पैरेललोग्राम का एरिया जो कि बेस इनटू हाइट होता है, यहां पर ये दो जो वेक्टर है ना, इनका मॉडुलस ही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो सबसे पहले अलंकृत मुझे निकालना है
वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। उसके लिए आपको पता है मुझे इनका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ये आई जे के है, ये हो जाएगा 1 -1 और 3, ये हो जाएगा 2 -7 और 1। इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप आई लेते हो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -1 -(-21), तो +21 हो गया माइनस जे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 -6 प्लस के छोड़ दीजिए ना, ये हो जाएगा -7 -(-2) यानी कि +2। तो ये आ रहा है मेरा 20i +5j -5k आ रहा है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम चाहो ऐसे बना लो, इसकी जो साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, ऐसे ये ए और बी दी हुई है, और आपको पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है, तो तभी मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। बेस इनटू हाइट है तो ए बाय बी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ नहीं आएगा, मॉडुलस ऑफ ए इनटू बी आएगा। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं भाई, बोलिए। 20² + 5² + -5² - 6² नहीं -5 है ये, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया 400 + 25 + 25, ये आ गया 450। फैक्टर बना लेना आप, 15 × 15 × 2 बनेंगे, एक 15 बाहर आएगा। फाइनल आंसर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया है 15√2 square units, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं चाहूंगा आप 11th क्वेश्चन रीड करें। Let the vectors a vector and b vectors be such that a vector का modulus is equals to 3 and b vector का modulus is equals to √2/3. Then a vector cross b vector is a unit vector if the angle between a vector and b vector is a part π/6, b part π/4, c part π/3 or d part π/2. Okay, मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ, आई होप पिछला हो गया होगा आपका। दो वेक्टर a और b हमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि मॉडुलस जो है ए वेक्टर का वो 3 है और बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो √2/3 है, राइट। और ए क्रॉस बी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है ए और बी के बीच में। तो अगर वो यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी, पहले तो हम निकाल के देखते हैं ए क्रॉस बी होता क्या। ए क्रॉस बी होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब इसका मॉडुलस निकालिए, क्योंकि इसका मॉडुलस अगर आप लेते हैं तो वो यूनिट वेक्टर हट जाएगा, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में साइन थीटा। अब ध्यान से दीजिए, मॉडुलस ऑफ ए 3 दिया हुआ था तो उसकी जगह 3 लिख दीजिए, और मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया हुआ था, √2/3 दिया हुआ था, और अगर आपको ध्यान हो ये 1 दिया हुआ था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो यूनिट वेक्टर था, तभी वो 1 दिया हुआ था। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 से 3 कट, ये आ जाएगा 1/√2 = sin थीटा। आपको पता है ये वैल्यू कब होती है, π/4 पे, यानी कि यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, यानी कि पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the last question of this exercise, read kiji. Area of a rectangle having vertices A, B, C and D with position vectors -i^+(½j^+4k^), (i^+)/(half j^+4k^), (i^-)/(half j^+4k^), (-i^-)/(half j^+4k^) respectively is A part 1/2, B1, C2 or D3. Okay, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यह एक रेक्टेंगल गिवन है, देखो मैं उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ना लिखने की बजाय मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ए क्या दिया है, -1, फिर 1/2, फिर 4, राइट। बी के दिए हुए हैं 1, 1/2 और 4। सी के दिया 1, -2, -1/2 और 4। पोजीशन वेक्टर की टर्म में तो आप लिख ही लोगे, क्या कहते हो, -1, -1/2 और 4 ये दिए हुए हैं।
और हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है। आपको पता है रेक्टेंगल बी पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड यू नो पैरेलल और इक्वल होती है, चारों एंगल रेक्टेंगल के 90 होते हैं। तो ये जो भी रेक्टेंगल है इसका एरिया हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए डी, ठीक है ना, साइड्स का ही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इतना सा काम कर लें तो हमारी बात बन जाएगी। तो मैं डायरेक्टली आपके लिए ए बी वैक्टर निकालता हूँ। ए बी वैक्टर हमारा हो जाएगा बी माइनस में ए के, तो वन माइनस और माइनस वन ये आई हो जाएगा प्लस, आई होप ये आपको अलंकृत आता है निकालने, हाफ माइनस हाफ जे और फोर माइनस फोर इंटू के हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टू आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ये हमारा क्या आ गया ए बी वैक्टर आ गया। अब इसका मॉडुलस अगर निकालना है तो वो जाएगा रूट ऑफ टू का स्क्वायर, क्योंकि बाकी ये दोनों तो जीरो ही होंगे, मतलब टू यूनिट्स आ जाएगा कहने का मतलब है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, ऐसे ही आप मैं चाहूंगा एडी निकाल लें, वेक्टर एडी जो है वो हमारा हो जाएगा माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन यानी कि प्लस वन प्लस माइनस हाफ जे प्लस फोर माइनस फोर के, तो ये हो जाएगा जीरो आई माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस वन हो गया माइनस वन जे प्लस जीरो के। और अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे जीरो स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर हो गया, मतलब वन यूनिट आ गया ये भी। तो अब क्यों ना एरिया निकाला जाए सीधा ही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी हमने आपको पहले ही बताया था, मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए डी था, टू इंटू वन आंसर आ गया टू स्क्वायर यूनिट। और अगर आप देखेंगे तो सी फॉर कैट इज करेक्ट, ठीक है। तो क्लास अब साथ में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मिसलिनियस के एग्जांपल आप खुद कर लीजिए, हम सीधा मिसलिनियस की एक्सरसाइज कर रहे हैं बगैर टाइम वेस्ट किए इसी वीडियो में। यस अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर वन। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूं आपके लिए, एक छोटा सा मैं फिगर बना के समझाना चाहूंगा। ये एक्स वाई एक प्लेन है सपोज, छोटा सा ही फिगर बना के समझाना चाहूंगा। ये मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो इसमें ना ये कह रहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई के बीच में तो पूरा 90 होगा, आपको पता है, तो ये 30 है तो इतना 60 होगा और ये पूरा यू नो 90 होगा, और ऐसे ये पूरा भी 90 होगा इतना, राइट। तो थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, ये कोई पॉइंट है पी, लेट कीजिए ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ये हमारी क्या दे रखी है कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखी है। लेट कर लो लाइन ओपी, ओपी कोई लाइन है जो कहां लाई कर रही है, लाइज इन द प्लेन एक्स वाई, ऐसे लाई कर रही है जैसे मैंने बनाया एक्स ओ पी 30 है, तो पी ओ वाई को मैंने 60 लिया और पी ओ जेड को मैंने 90 लिया। तो एक तरीके से जो डायरेक्शन एंगल्स है ओपी के वो क्या हो गए 30
60 और 90। तो इसके डायरेक्शन को साइंस उन्हें डीसी डॉट भी लिखते हैं। आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि मैं बहुत जगह ये शॉर्टकट यूज करूंगा आगे भी। डायरेक्शन कोसाइंस, तो जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे वो जाएंगे कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 90। कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू, कॉस 60 वन बाय टू और ये जीरो। तो इससे हमें वेक्टर जो ओपी था हमारा उसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट थ्री बाय टू आई प्लस हाफ ऑफ जे। और क्योंकि ओपी भी एक यूनिट वेक्टर था, निकाल के देख लेते हैं इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा। रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर, फोर बाय फोर यानी कि वन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो हो गया रूट थ्री बाय टू आई प्लस हाफ ऑफ जे। ठीक है ना। क्विकली सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। Find the scalar components and magnitude of the vector joining the points P, x1, y1, z1 and q, x2, y2, z2. तो हमें स्केलर कंपोनेंट बताना है इस बार, जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जो कोई दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको उनके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड हमें बताना है, और जो दो वेक्टर हैं वो दिए हुए हैं, पी है हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन और क्यू है हमारा एक्स टू वाई टू और जेड टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर बताते हैं पी के, वो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। और ऐसे ही पोजीशन वेक्टर हम क्यू के अगर बताना चाहें तो हो गया एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। ओके, तो अब हमें वेक्टर पी क्यू निकालना है। वेक्टर पी क्यू हो जाएगा हमारा ओ क्यू माइनस में ओ पी। तो मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के माइनस में एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के। ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके स्केलर कंपोनेंट उन्होंने पूछे थे आपसे, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए इसके, वो हो गए वेक्टर पी क्यू के एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन। तो अब आपको निकालना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट देन शी स्टार्ट देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन अ डायरेक्शन 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड step stops, determine the girl's displacement from her initial point of departure. Okay, मैं यही सेम चीज आपको फिगर से समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, थोड़ा सा हम एक 2D प्लेन बना लेते हैं, राइट। मैं बार बार आपको कहता हूँ, ऐसे सोचो आप मध्य प्रदेश में खड़े हो, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसे थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। ये कुछ नहीं है,
ये वेस्ट है और ये हमारा साउथ है, ये वाई है आपको पता ही है, वाई डैश है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, राइट। अब ये जो गर्ल है, मान लो ये कह रहा है 4 किलोमीटर वेस्ट के टूवर्ड्स गई है, मतलब लेफ्ट के टूवर्ड्स गई है मेरे, है तो ये ऐसे हो गया 4 किलोमीटर इतना, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना लो और यहां कोई पॉइंट है सपोज हो, इस पॉइंट का नाम है बेटा ओ। अब ये जो एंगल है ना, एक तरीके से कह रहा है फिर 30 डिग्री की डायरेक्शन में ये वॉक कर रही है ऐसे, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वॉक कर रही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ इस तरफ वॉक कर रही है 30 डिग्री के एंगल पे। तो इतना अगर 30 है ना, तो ये बाकी का बचा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मैं थोड़ा स्टेटमेंट के साथ कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से करें। ये जो गर्ल है वो वॉक कर रही है पहले 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, इसे हम रिप्रेजेंट करें कैसे करेंगे, दिस इज ओपी वेक्टर से, और एक्स एक्सिस की तरफ वॉक कर रही है तो 4i हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रही है, फर्दर शी गोज 30 डिग्री, ये ऐसे जा रही है, देख रहे हो ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये इस तरीके से ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब है वो किसके अलोंग मूव कर रही है, ऐसे मतलब ओ क्यू के अलोंग, ठीक है, और फिर वो क्यू पे रुक जाती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रही है, इसका मतलब है शी मूव्स अलोंग, ये क्यू है बेटा, ये वाला देख रहे हो जो ऊपर लिखा है, ये ओ नहीं है, क्यू है, है? मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। शी मूव्स अलोंग ओ क्यू, ओ क्यू के अलोंग मूव कर रही है और कहां रुक जाती है, क्यू पर। तो पी क्यू जो है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो मैंने बताया है, पूरा 90 है तो बाकी 60 होगा, ये P है बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो PQ जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ ही रखे हैं, ठीक है ना, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद OP। तो देखो अगर हमें स्केलर कंपोनेंट निकालना है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ाई है, मैंने पहले भी समझाया था, स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ अलोंग OX, ये ओ एक्स है भाई, ये पूरा इसी के अलोंग निकालना है। आपको पता है बेस जो होता है अलंकृत, वो ओ क्यू कॉस थीटा होता है, तो ओ क्यू कॉस 60 हो जाएगा। ओ क्यू हमारा कितना दिया हुआ था, 3, ओ क्यू हमारा 3 था, ओके okay? और कॉस 60 की जगह 1/2 लिख दो, तो ये ओ क्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया, ये दिया हुआ था ना, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, तो OQ हमारा 3 था। आप चाहो तो मैं यहां भी मार्क कर सकता हूँ, ये ऐसे 3 था, ठीक है। तो यहां पर हमारा स्केलर कंपोनेंट आ गया PQ का, मतलब ये वाला आ गया बेस, ठीक है। और अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे हम, स्केलर वो तो बेस वाला आया था, फिजिक्स वाले बच्चों को तो ये बातें पता है, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा, उन्हें अलग से पता क्या करना होगा, उस ट्रायंगल में लगानी होगी ट्रिगोनोमेट्री, तुम्हें तो पता है ना बेस पे क्या होता है, और यू नो वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है, और स्केलर आप निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट पी क्यू का अलोंग ओ वाई, मतलब ये वाला हो गया वर्टिकल वाला, ठीक है। ये होगा सेम ओ क्यू
साइन 60, ओके हमारा 3 था, साइन 60 था रूट 3 बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 3 रूट 3 बाय 2। तो कहने का मतलब है यहां से जो PQ है वो हमारा आ गया 3 बाय 2 आई, क्योंकि वो बेस था, और जो वर्टिकल है वो आ गया 3 रूट 3 बाय 2 जे, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ये हमारा PQ आ गया। अब गर्ल वॉक कर रही है OP के अलाउं, ठीक है, और फिर PQ के अलाउं, मैं यहां लिख देता हूं does the girl, और ऐसे ही लिखनी है स्टेटमेंट बना के, walks along OP and then along OQ। तो आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो इसमें, OP प्लस PQ जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, OQ के। इसे मैंने नंबर 2 दिया था, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, OP की जगह क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ ये नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, एक मिनट, 1, 2 और 3 से ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, फिगर वगैरह आप यहीं से देख सकते हैं, सेम इसी। अगर इन तीनों को आप समराइज कर दोगे ना, तो बेटा देखो ओपी की जगह क्या आ रहा है, -4i, और पीक्यू की जगह आ रहा है 3/2i प्लस 3√3/2j इक्वल टू में ओक्यू, राइट। अब इसे सॉल्व कर लो, इन्हें इकट्ठा ले लो ऐसे, -4 + 3/2i प्लस 3√3/2j, ये हमारा OQ आ गया। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया -8 + 3 -5/2i प्लस 3√3/2 × j इक्वल टू आ गया OQ। और अब मैं चाहूंगा आप इसका मॉडुलस निकाल ले, जो कि हो जाएगा -5/2² + 3√3/2² ये हो गया 25/4 3 का² 9 × 3 27/4। तो भाई ये कितना आ रहा है, 52/4√13 आ रहा है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, √13 आ रहा है इसका आंसर। फोर्थ पढ़िए प्लीज। If A vector is equals to B vector plus C vector, then it is true. Then is it true that A vector modulus is equals to B vector modulus plus C vector modulus? Justify your answer. Okay, मैं ये थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर A 4। अलंकृत हमें दिया हुआ है वेक्टर A जो है हमारा, अगर वेक्टर B plus C के इक्वल है, तो हमसे पूछा गया है क्या ये चीज ट्रू है कि वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस के इक्वल होगा या नहीं है, ये चीज हमसे पूछी गई, हमें पता नहीं है। तो स्टार्ट मैं यहीं से कर रहा हूं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी अगर गिवन है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी आएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, और स्क्वेयरिंग करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप ऐसे, ये मैंने पहले भी बताया था, मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर अलंकृत क्या हो जाएगा, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, राइट। और ये लेफ्ट साइड को तो एज इट इज रहने दो। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये वेक्टर बी की मल्टीप्लाई पहले बी प्लस सी से होगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी होगा, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना। अब आपको पता होना चाहिए वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी की जगह फिर से आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ये सी डॉट बी और बी डॉट सी एक ही बात है, मैंने पहले भी बताया था आपको
कि बी डॉट सी और सी डॉट बी एक ही बात है, तो स्टेप पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी आप बी डॉट सी ही लिख सकते हो। तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, और वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर। अब आपको अलंकृत ये ऐसी फॉर्म आ गई, इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। अगर मैं इसे अलंकृत मॉड में लिख दूं ना यहाँ दोनों को, तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, राइट। आपको पता है यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज दी एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। तो अगर एक केस लेता हूं, अगर थीटा हमारा जीरो है, सपोज थीटा अगर 0 डिग्री है, तो ये मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस टू मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस सी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब इसके आगे कॉन्टिन्यूशन में मैं यही इसी पेज पे कॉन्टिन्यू कर रहा हूँ स्टेप, ये फर्दर सॉल्व होके हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। सभी को पता है कॉस 0 1 होता है, राइट, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस टू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी, और कॉस 0 की जगह क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है, राइट साइड पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी कि ये मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर है। अब क्या करोगे, टेकिंग साथ साथ करते रहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये मॉडुलस ऑफ ए हमारा बच जाएगा मॉडुलस ऑफ बी, ये मॉडुलस लिखना है, प्लस मॉडुलस ऑफ सी बच जाएगा, ठीक है। तो और लेकिन अगर थीटा हमारा, ये तो तब हुआ था जब थीटा 0 था, लेकिन थीटा अगर 0 ही नहीं है, तो फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जो है वो मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अलंकृत ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एक्स टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। बड़ा छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये हमें एक्स की वैल्यू बतानी है फिफ्थ में, और ये हमें दिया हुआ एक्स डॉट आई प्लस जे प्लस के जो है, ये एक यूनिट वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर ए के इक्वल है, और यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ ए जो है वो 1 होगा, ये आपको पता है ना। यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है कि भैया उसका मॉडुलस 1 है। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई अगर कर लेते हो, तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, ये हमारा वेक्टर ए आ गया। अब दोनों का मॉडुलस निकाल लो, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1, यहाँ आ गया ये रूट ऑफ 3x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, अगर आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू में 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/3, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ द साइड प्लस माइनस 1/√3। यस, अगर स्क्वायर रूट आप लेते हैं दोनों तरफ, तो ये प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दिया हुआ है, और वो पैरेलल है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के, और वो दो वेक्टर के मतलब पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। वो जो दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक तो है ए जो कि है 2i प्लस 3j,
माइनस के और एक है बी जो कि है आई माइनस टू जे प्लस के, ठीक है। अब बेटा लेट कर लो कि जो वेक्टर सी है ना वो रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। तो ये जो वेक्टर सी हो जाएगा अलंकृत, ये क्या हो जाएगा? ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं सीधा ही ऐड कर रहा हूँ, है टू प्लस वन ये हो जाएगा थ्री आई, थ्री माइनस टू ये हो जाएगा प्लस वन, और माइनस के प्लस के वो हो जाएगा जीरो के, मतलब थ्री आई प्लस जी हो जाएगा। अगर आप इसका मॉडुलस निकालते हैं तो वो हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस वन, यानी कि रूट टेन यूनिट्स आ जाएगा इसका मॉडुलस। अब इसका यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है सी का, तो आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर अपॉन मेट्स मॉडुलस, यानी कि सी जो वेक्टर था वो था हमारा 3i प्लस j और ये आया रूट टेन। तो यूनिट वेक्टर सी जो है वो जाएगा 3 बाय रूट टेन आई प्लस 1 बाय रूट टेन ऑफ j हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ आ गया, राइट, ध्यान रखना। अब लेकिन एक चीज और बोली थी उसने, उसने बोला था कि जो ये वेक्टर सी है अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है ना, उसकी हमें वैल्यू बतानी थी। तो 5 से मैं चाहूंगा आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ये जो भी आपका गिवन वेक्टर आया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 15 ओवर रूट टेन आई प्लस 5 ओवर रूट टेन जे। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट 10 को लिखो माइंड में रूट 5 इंटू रूट 2, और ये जो 15 है इसे लिखो 5 इंटू 3, और 5 की जगह लिख दो रूट 5 इंटू, ओहो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू में आई है, ऐसे ऊपर वाला जो 5 है उसकी जगह लिख दो रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 10 को क्या लिख दोगे रूट 5 इंटू रूट 2 इंटू जे। थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पीछे आंसर वो दिया हुआ उस टर्म में। इसके बाद मैं इसे यहाँ ऊपर ले जा रहा हूँ, देखो ये सॉल्व हो के आ गया रूट 15 अपॉन में रूट 2, और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए आपको पता है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ये है रूट 5 प्लस में रूट 5 ओवर रूट 2, तो यहाँ भी रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया रूट 30। रूट 30 रूट 30 आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये 15 को लिखा था 5 एक और रूट 3 था यहाँ पर, राइट, ओके एक रूट 3 और था इसके साथ, तो ये 45 है, रूट 45 इंटू रूट 2 ये हो गया रूट 90 बाय 2 इंटू आई, और ये है रूट 10 अपॉन 2 इंटू जे। अब भैया इसको 10 इंटू 3 लिखो बाहर अपने माइंड में और 3 को बाहर ले आओ, तो फाइनल आंसर है 3 रूट 10 ओवर 2 आई प्लस रूट 10 बाय 2 इंटू जे, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन प्लीज। If A vector is equals to I cap plus J cap plus K cap, B vector is equals to 2 I cap minus J cap plus 3 K cap, and C vector is equals to I cap minus 2 J cap plus K cap, find a unit vector parallel to the vector 2 A vector minus B vector plus 3 times C vector. तो यहाँ पर vector ABC हमें given है, हमें 2 A minus B plus 3 C निकालना है। पहले मैं आपको question लिख के बताता हूँ ये कि ABC क्या दिए हुए हैं आपको। Question number है ये हमारा 7th। ध्यान दीजिए वेक्टर ए हमें कितना गिवन है अलंकृत? वेक्टर ए गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बी 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप, और सी वेक्टर है सर i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। गुड, पहले ये लिख लो। अब ये जो वेक्टर बोला था इसने 2a माइनस b प्लस 3c, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2a मतलब
एक ही जगह लिख दो आई प्लस जे प्लस के माइनस बी, मतलब ये हो गया माइनस टू आई माइनस जे प्लस थ्री के प्लस थ्री सी, सी हो गया आई माइनस टू जे प्लस के, तो ये हो जाएगा टू आई प्लस टू जे प्लस टू के माइनस टू आई प्लस जे माइनस थ्री के प्लस थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस थ्री के। पहले तो इसे सॉल्व करना, देखो आई से आई, ये टू आई से टू आई कट रहा है, कौन बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक ये थ्री आई बच रहा है, तो यहाँ लिख दो थ्री आई। जे वाली टर्म देखो, ये टू जे प्लस जे थ्री जे, थ्री जे माइनस सिक्स जे माइनस थ्री जे, राइट। और ये देखो टू के, और ये माइनस थ्री के से प्लस थ्री के कट रहा है, तो टू के अकेला बच रहा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी हमारा हो जाएगा रूट में ये थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। पेन देना एक सेकंड, तो ये ध्यान रखना, एक सेकंड क्लास। तो ये हमारा आ गया, इसे सॉल्व करो भाई, कितना हो गया ये, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो गया नाइन प्लस नाइन प्लस फोर, 18 और 4 ये 22, 222 यूनिट्स आ गया। तो अब उन्होंने बोला था कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल हो किसके, तो आपको पता ही है यूनिट वेक्टर का इसका फॉर्मूला, गिवन वेक्टर अपॉन में इट्स मॉडुलस। तो ये हो जाएगा 2a माइनस b प्लस 3c, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अपॉन में रूट ऑफ 22, सॉरी, इसके अक्रॉस सॉल्व करके क्या आया था अलंकृत, वो लिखो यहाँ, वो आया था 3a माइनस 3j प्लस 2k। फाइनल आंसर 3 ओवर रूट 22 आई माइनस 3 ओवर रूट 22 जे प्लस 2 ओवर रूट 22 के। ये था क्वेश्चन नंबर 7 क्लास। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स ए 1, -2, -8, बी 5, 0, -2 एंड सी 11, 3, 7 आर कोलीनियर एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच बी डिवाइड्स एसी। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन में हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो कोलीनियर है, हमें रेशियो बतानी है जिसमें बी जो है एसी को डिवाइड करेगा। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 8, देखो एक लाइन सेगमेंट अलंकृत पहले बना लो, ए के क्या कोऑर्डिनेट थे बोलोगे, ए के थे 1, -2, 8 1, -2 8 प्लस 8 या माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस 8 ओके। पॉइंट सही बोलो, जरा सी भी गलती हो गई ना पॉइंट में तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। सी के बोलो, सी के से 11, 3, 7 11 आई प्लस 3 जे प्लस 7 के, ध्यान रखना ठीक है। एक छोटी सी करेक्शन है, एक एक पॉइंट्स में कई बार गड़बड़ होती है, आई माइनस टू जे माइनस 8 के दिए हुए ठीक है ना। अब रेशो हमें अननोन है, बी के पॉइंट अभी आपको नहीं लिखने, बी के भी मुझे पता गिवन है, एक बार बोलो क्या गिवन है, 5, 0, -2 5, 0, -2 ठीक है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको इसे सॉल्व करना है। ये जो रेशो है इसमें एम वन को हमने मान लिया लेमडा, और क्योंकि रेशो जब भी अननोन होती थी 10th क्लास में आप के रेशो 1 मानते थे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर लैम्डा रेशो 1 मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो पॉइंट बी है वो लाइन सेगमेंट एसी को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है ठीक है ना। सो लेट द रेशो बी लैम्डा रेशो 1। तो बेटा अब हमें करना क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है, बी का निकालना है।
ठीक है, इसके लिए वो सेक्शन फॉर्मूला लगता है, तभी मैं यहाँ ये लिखना नहीं चाह रहा था इसके, ठीक है ना, क्योंकि बी के समझ लो अननोन है हमारे पास पॉइंट, पर वो कैसे आएंगे, वो आएंगे लेमडा इंटू में जो सी के हैं, दैट इज 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस, और ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल होता तो बीच में माइनस आता, 1 इंटू में i माइनस 2j माइनस 8k होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये लैम्डा प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 11 लैम्डा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और प्लस ये 1 आई है तो इकट्ठा लिख रहा हूं इन्हें, 11 लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और ये हो जाएगा आई, ऐसे ये देखो 3 लैम्डा जे माइनस 2 जे, जे अगर कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू जे, और ऐसे ये 7 लैम्डा माइनस 8, 7 लैम्डा माइनस 8, और ये के हमने ऐसे कॉमन ले लिया, होल डिवाइडेड में क्या है, ये लैम्डा प्लस 1 है। ये बी के मैं पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं, बी के जो पोजीशन वेक्टर है वो आ गए 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू आई प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 टू जे अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू में है के। अब आप मुझे बताओ बी के दिए क्या हुए थे, बी के दिए थे 50 माइनस 2, और आई होप पॉइंट जो थे वो हमारे कोलिनियर गिवन थे, ठीक है ना, रेशियो हमारी अननोन थी। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो सबसे इजी वे में करना चाहते हो ना, वैसे तो तीनों को कंपेयर करना बढ़िया है, इसको कंपेयर करना 5 से और इसको कंपेयर करना 0 से और इसको कंपेयर करना माइनस 2 से, और लैम्डा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको करके बताता हूँ, ये इक्वल टू 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 11 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 5, 11 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा हो गया 6 लैम्डा, और ये 1 को उधर ले जाओ तो 5 माइनस 1 आ गया 4 लैम्डा, आ गया 4/6 यानी कि 2/3। अब इसे कंपेयर करो, 3 लैम्डा माइनस 2 ओवर लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0/1, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा आ गया 2, लैम्डा आ गया 2/3, और लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसे कंपेयर कीजिए माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा 7 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू, आप चाहो तो के भी मान सकते थे, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, ये आ गया 9 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 यानी कि 6, यानी कि लैम्डा आ गया कितना 6/9 यानी कि सेम 2/3, क्योंकि कोलिनियर थे, रेशो भी हमारी सेम आ गई तीनों में, तो आपको पता है रेशो अगर सेम आ जाए तो ये भी, मतलब ये जो पॉइंट्स हम बी जो है इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा था ना, तो रेशो भी निकाल लो भाई, लैम्डा रेशो 1 का क्या मतलब है, 2/3 रेशो 1 का मतलब है 2/3 या 2:3, तो आंसर है 2:3 में डिवाइड कर रहा था, और ए बी और सी जो है तीनों कोलिनियर भी आ गए हैं, राइट, क्योंकि रेशो की वैल्यू सेम आई है तो कोलिनियर भी आ गए हैं। एक तरीका और भी होता है, कई टीचर ऐसे भी करते हैं कि वो ये यहाँ एक जगह से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और बाकी दोनों में डालते हैं, वो भी एक ही बात है, अगर आप मान लो लैम्डा की वैल्यू 2/3 अलंकृत इन दोनों में डालते ना तो वो 0 और -2 ही आता, कई टीचर ऐसे भी कराते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जैसे मन करे वैसे कर लेना। Moving on to the next question, question number 9th, please. Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2A vector plus B vector and A vector minus 3B vector externally in the ratio 1:2. Also show that the P is the midpoint of the line segment RQ. Okay, class, from 9th question, mein hum kya kar rahe hain? Lakriti, shayad humara last hi question ho aaj ka. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन में मैं पहले फिगर से आपको समझाता हूँ, पोजीशन वेक्टर हमें आर के बताने हैं। देखो एक ऐसे लाइन सेगमेंट ले लो, मान लो ये आर है, ये पी है और ये हमारा क्यू है,
पी और क्यू के जो पोजीशन वेक्टर है वो दिए हुए हैं 2a प्लस बी, और क्यू के दिए हुए हैं वेक्टर a माइनस थ्राइस ऑफ वेक्टर b, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। और कह रहा है जो रेशियो है वो 1:2 है। अब रेशियो ऐसे ही होती है, आपको पता है m1 जो है वो 1 है और m2 जो है वो 1 है, और हमें और एक्सटर्नल है तभी मैंने ऐसे फिगर बनाया, इंटरनल होता तो r को बीच में बनाता। तो सबसे पहले हमें r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है ना, p और q के हमें दिए है। साफ साफ पता लग रहा है ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली ये भी गिवन है। तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ r हम निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है m1 इनटू में ये, तो 1 इनटू में क्या हो जाएगा वेक्टर a माइनस थ्राइस ऑफ वेक्टर b माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, माइनस 2 इनटू में क्या हो जाएगा ये 2a प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा ये 1 माइनस में 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा वेक्टर a माइनस थ्राइस ऑफ वेक्टर b माइनस 4 टाइम्स वेक्टर a माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b होल डिवाइड बाय माइनस 1। तो ये जो r के पोजीशन वेक्टर हैं a माइनस 4a आ गया माइनस 3a, और माइनस 3b माइनस 2b आ गया माइनस 5b अपॉन माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो 3a प्लस 5b ऐसे अपॉन में माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो ये कितना बच गया हमारा 3a प्लस 5b आ गया, राइट। अब मिड पॉइंट हमें बताना है, एक मिड पॉइंट किसका बताऊं मैं, RQ का, देखें क्या आ रहा है, वो हो जाएगा यही R के क्या है 3a प्लस 5b, और Q के क्या थे a माइनस 3b होल डिवाइड बाय 2, सीधा ही कर लो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b होल डिवाइड बाय 2, 2 ले लो कॉमन, ये आ गया 2a प्लस b अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये भी मतलब वो इस बीच वाले ही आ रहे हैं जो p के थे, राइट, ये किसके पोजीशन वेक्टर हैं, ये p के हैं। तो इसका मतलब है ये भी चीज प्रूव हो गई, उन्होंने बोला था कि प्रूव करिए कि p जो है वो मिड पॉइंट है किसका, RQ, राइट। तो ये भी चीज, तो क्लास आज की जो वीडियोग्राफी रही इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए हैं, बहुत जल्द हम रिमेनिंग क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।